आपकी डिलीवरी 24 घंटा के अंदर ही होने वाली है, कैसे पता करेंगे आप? तो कुछ लक्षण जो कि आपकी बॉडी इंडिकेट करना शुरू कर देती है, बताना शुरू कर देती है, बस आपको पहचानने की देर होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मॉम केयर चैनल, मैं हूँ ऐश्वर्या। तो 24 घंटे के अंदर जब डिलीवरी होने वाली होती है तो बॉडी जो है वो आपको बहुत इंडिकेट करना शुरू कर देती है। सबसे पहले जो सिम्टम्स होते हैं वो ये कि जैसे ही आपके डिलीवरी बिल्कुल पास है, आपके जो वाटर बैग है जिसमें कि बच्चा, गर्भ थैली जिसे हम कहते हैं, तो एमनियोटिक फ्लूड के अंदर बच्चा आराम से तैरते रहता है, घूमते रहता है, किक्स मारते रहता है, एक्टिव रहता है, मूवमेंट उसके चलते रहती है। तो जो गर्भ की थैली होती है, गर्भाशय जो होता है, उसका जो वाटर है वो लीक करना शुरू हो जाता है, वो वाटर बैग जो है लीकेज या फट जाता है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में आपने सुना हो कि पानी की थैली फटना, वाटर बैग जो है वो लीक करने लगता है। वाटर बैग जब लीक करता है, उसके क्या लक्षण ये हैं कि कंटिन्यूअस लगातार जो है आपके प्राइवेट एरिया से पानी का निकलना और कंटिन्यूअस जो है उसका फ्लो है और उसी धार में उसी तरीके से निकल रहा है, रुक नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि वाटर बैग लीक कर गया है और आपकी जो डिलीवरी है वो 24 घंटे के अंदर ही हो जाएगी। तो ये एक मेन सिम्टम्स माना जाता है कि डिलीवरी बिल्कुल पास है। और अगर वाटर बैग लीक कर गई है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रसव पीड़ा साथ में हो, बिल्कुल नहीं। वाटर बैग लीक करने के बाद भी प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और कई बार प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद भी वाटर बैग लीक करता है। तो दो ही ये बताते हैं कि आपके जो डिलीवरी है वो बिल्कुल 24 घंटे के अंदर हो जाएगी। सेकंड जो चीज़ है, प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन का शुरू होना। तो लेबर पेन जैसे ही शुरू होता है, पहले तो ये कि बिल्कुल उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बिल्कुल लो होती है। जैसे ही आपको क्रैम्पिंग जैसा महसूस होगा, पेट के निचले सतह में आपको दर्द होगी, कमर में दर्द होगा, जांघों में पेन होगा, क्रैम्प होगा, और ये क्रैम्प हो सकता है कि पेट में दर्द, पेट के निचले सतह से दर्द आपके कमर पे जाए और कमर से दर्द पेट के निचले सतह में आए, यानी कि कुछ भी हो सकता है, दर्द किसी भी तरीके से स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आपको दर्द जो है वो बढ़ता जा रहा है और टाइमिंग जो है वो कम होती जा रही है, इसका मतलब ये है कि वो ट्रू लेबर पेन है और वो प्रसव पीड़ा है जिससे कि आपकी डिलीवरी 24 घंटे के अंदर अब हो सकती है। तो टाइमिंग अगर आपको कम लग रहा है, बहुत जल्दी जल्दी दर्द शुरू हो रहा है और दर्द ज़्यादा देर तक रह रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार कर लेना चाहिए खुद को। थर्ड जो है, म्यूकस प्लग का बाहर निकलना। म्यूकस प्लग जब बाहर निकलता है तो आपको डिस्चार्जेस शुरू हो जाते हैं। म्यूकस प्लग के बाहर निकलने का मतलब ये है कि डिलीवरी अब आपकी जल्दी होने वाली है, डिलीवरी पास है। तो म्यूकस प्लग जब बाहर निकलता है तो उसके कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं कि आपको डिस्चार्जेस शुरू हो जाएंगे। डिस्चार्जेस में रेड स्पॉटिंग या ब्लीडिंग की स्पॉटिंग आपको शुरू हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रेड डिस्चार्ज आपको शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि म्यूकस प्लग निकल चुका है और आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, प्रसव पीड़ा आपको शुरू हो सकती है म्यूकस प्लग निकलने के बाद भी। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर हो जाना है हॉस्पिटल जाने के लिए। अगर इन तीनों सिम्टम्स में से आपको कोई भी सिम्टम्स महसूस हो रहा है तो आपकी डिलीवरी 24 घंटे के अंदर हो सकती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएँ। धन्यवाद।